हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक है? आपको पता है आज क्या होने वाला है? आज धमाल होने वाला है। मतलब समझते हैं आज क्या होने वाला है? आज भिन्न में जो पूछता है क्वेश्चन में, अरे भिन्न का क्वेश्चन नहीं पूछता है, छोटा कौन है बड़ा कौन है, आज वह देखने वाले हैं। मतलब वही देखने वाले हैं। देखिए, बताएंगे तभी न जानिएगा। चलिए बता दिए, क्या बताए? भिन्न में बड़ा और छोटा खोजने के लिए। यहाँ ध्यान रखिए ना, देखिए हो जाएगा। भिन्न में बड़ा और छोटा कैसे खोजते हैं, उन्हीं के बारे में जानना है आज हम लोग को। नहीं देखिए तो क्या होता है, जल्दी जल्दी देखिए। फर्स्ट में देखिए, अब हम आपको देंगे 1/2, एगो दिए 3/4, एगो दिए 5/6। इसमें कहेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे छोटी कौन है, आरोही क्रम में क्या, अवरोही क्रम में कम है। अब आवे ए भैया चल गया क्या, जानते हैं इनको बनाने से पहले बता देते कैसे कैसे बनाइएगा। या तो आप बनाइएगा, इनको भागा दे के चेक कीजिएगा कौन बड़ा है या कौन छोटा है। हम बताएंगे आपको दो तरीका, उन्हें बताएंगे भागा दे के, हम बताएंगे दो गो तरीका। क्या तरीका? हे देखिए, ये 6 है, ये 4 है, ये 2 है, इसका ले लीजिएगा एलसीएम। यहां देखिए 6 4 2, इनका ले लीजिएगा एलसीएम। एलसीएम जितना होगा ना सब में गुना कर दीजिए, तो जल्दी में गुना कीजिएगा। देखिए ध्यान से, फिर से बोले क्या बोले हम, इसका ले लीजिएगा एलसीएम, एलसीएम लेके गुना कर दीजिए। बोलिए रहे, सुन रहे आप, उधर ध्यान रहे, इधर देखिए 6 4 2 का एलसीएम, 6 4 2 एलसीएम होता है 12, 12 से गुना करेंगे सब में, क्या करेंगे 12 से गुना कर देंगे सब में। ध्यान देखिए 6 4 2 एलसीएम 12, 12 का सब में गुना। चलिए काट देते हैं, 2 से कितना 6, तो ये हो गया 6, ये 4 से 4 तिया 12, 3 तिया 9, 6 से 6 दुना 12, 5 दुना 10। अच्छा बताइए, अब आप देख पा रहे हैं नहीं देख रहे हैं? यहाँ देखिए ना 6 9 10, कौन चीज खोजना है जी? बड़ा खोजना है, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन है 10, मतलब 5/6। नहीं समझ में आया? सबसे छोटी कौन है? यही, सबसे छोटा कौन है 6, मतलब 6 आंसर। नहीं, आंसर क्या 1/2, आरोही क्रम में कहेगा तो नहीं होगा, होगा ना जी, आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर। ए देखिए छोटा से बड़ा, तो छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा मतलब 1/2, उसके बाद 3/4, उसके बाद 5/6, इसी कहते हैं आरोही क्रम। अवरोही कहेगा तो उल्टा देंगे, 10 मतलब 5/6, उसके बाद 3/4, उसके बाद 1/2। हुआ आंसर? हुआ ना? नहीं हुआ होगा। क्यों नहीं हुआ होगा? क्योंकि आपका ध्यान इस पे नहीं है। अगर आपका ध्यान इस पे नहीं है तो भले नहीं हुआ, अगर आपका ध्यान इस पे हुआ होगा तो हो गया, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, चल जाएगा हवी में, जाएगा जी बिल्कुल हवी में चल जाएगा। तो चलिए, एगो तरीका ये हुआ बड़ा और छोटा खोजने के लिए। फिर से बोल रहे हर का लीजिएगा, नीचे वाला का ले लीजिएगा एलसीएम, सब में गुना कीजिएगा, जब जो बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा, जो छोटा होगा वो भिन्न छोटा। एक हुआ तरीका ये बड़ा और छोटा खोजने के लिए, असेंडिंग और डिसेंडिंग खोजने के लिए। हम देंगे, बगल में क्वेश्चन रहेगा, बहुत सारा एग्जाम क्वेश्चन देंगे, आप इनको पॉज करके रोक करके सब बना लीजिएगा। चलिए तो तरीका एगो ये, तो हम लोग अभी खोजे सबसे बड़ी कौन 5/6 और सबसे छोटी 1/2, इन्हीं को बनाते हैं दूसरा तरीका से। मतलब यहाँ था 1/2, यहाँ था कितना तो 3/4, यहाँ है कितना 5/6। चलिए, हम सबसे बड़ी खोजे थे ये, सबसे छोटी खोजे थे ये। एगो तरीका ऐसे बनाइएगा, a/b या c/d होगा ना, तो ऐसे कोना कोने गुना कर दीजिएगा, मतलब ad बराबर क्या कीजिएगा, ad और bc गुना कीजिएगा। अगर ad बड़ा तो ये भिन्न बड़ा, अगर bc बड़ा तो ये, अगर ad बड़ा तो ये भिन्न बड़ा, bc बड़ा तो ये भिन्न बड़ा। देखिए कैसे क्या क्या बोले पता है, दो वे गो में कंपरवाइज होगा, 3 गो में नहीं होगा बोल रहे, तो कंपरवाइज कितना होगा, मात्र 2 गो में कंपरवाइज होगा। इसी से खोजना है बड़ा और छोटा, बड़ा खोजना है तो छोटा को छाटते जाना है, छोटा खोजना है तो बड़ा को छाटते जाना है। अरे जो कचरा है उसको छाटते चलिए ना, अपने सही जगह पे आ जाएंगे, पकड़ लें, जगह मिल जाएगा हमको, स्थान मिल जाएगा। देखिए गुना करते हैं, a/d या bc करते हैं, मतलब 4 × 1 करेंगे तो इधर होगा 4, 3 × 2 करेंगे तो 6, ये होगा 4, ये होगा 6, खोज रहे हैं बड़ी संख्या, ये होगा 4, ये होगा 6,
समझ में आ रहा है, ये छह होगा, ये चार होगा, ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, हटाइए इसको, हटाइए, हट गया, अब ये बड़ी हो गया, अब बड़ी इसके साथ भी है, कीजिए छह गुना तीन अठारह, पांच गुना चार कितना बीस, ये हुआ अठारह, ये हुआ बीस, ये हुआ अठारह, ये हुआ बीस, बीस बड़ी की अठारह बड़ी, बीस बड़ी संख्या, आंसर कितना सबसे बड़ी, नहीं हुआ, चलिए चल गया, बड़ी और छोटी हो गया, एक बार नहीं में समझ में नहीं आएगा दोहरा दीजिएगा, समझ में नहीं आएगा फिर से बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, समझ में नहीं आया हम फिर से आपको और तरीका से बताएंगे, लेकिन हमको तो ऐसा लगता ही नहीं है कि आप ना समझे, इतने महान आदमी, इतने अच्छे बच्चे सब है, इतने टैलेंट स्टूडेंट सब है और ना समझे, ऐसा कैसे हो सकता है। हम दूसरा वीडियो में फिर मिलेंगे आपको अगला चीज।